R9 टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा दें आपको। आपको बता दें कि दिन भर जो ड्रामा चला पी चिदंबरम को लेकर, शाम होते होते उस ड्रामे का खुलासा हो गया। पी चिदंबरम मुख्यालय पहुंचे, कांग्रेस के मुख्यालय, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी और उसके बाद पहुंची ईडी और सीबीआई की टीम, लेकिन वहां उस वक्त तक वहां से निकल चुके थे पी चिदंबरम। वो जोरबाग अपने घर पहुंचे, उसके बाद सीबीआई और ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे और उसके बाद पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। हालांकि वहां भी पूछताछ हुई और अब ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और गिरफ्तारी करने के बाद सीबीआई के अधिकारी उन्हें सीबीआई मुख्यालय लेकर आए हैं। यहां पर भी पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पी चिदंबरम जो कि INS मामले में आरोपी कह सकते हैं उन्हें, फिलहाल आरोपी है। कल हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी, अग्रिम जमानत की गुहार उन्होंने लगाई थी, लेकिन नहीं हुआ वो काम। सुप्रीम कोर्ट में भी आज दिन भर उनके वकील अग्रिम जमानत के लिए जूझते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद सीबीआई की ईडीआई की जो टीम है पी चिदंबरम के जोरबाग के घर पहुंची, वहां से उन्हें सीबीआई मुख्यालय लेकर गई है, वहां पर पूछताछ जारी है। अगर हिरासत में लिया गया है तो पूछताछ करके छोड़ा जा सकता है और अगर गिरफ्तारी हुई है तो फिर कल उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। तो हर पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए लगातार R9 TV के साथ।